अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके पास सिविल 3D में मल्टीपल पॉइंट्स हों, कोगो पॉइंट, और उनमें अगर आपने कोई पॉइंट डिलीट कर दिए हों या उनका जो नंबर है, सीरियल जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे 1368 और इसके बाद ये फिर 14 के बाद 15 नंबर मिसिंग है, उसके बाद फिर ये जो है यहाँ पे 21 मिसिंग है। ओके, तो ये जो पॉइंट नंबर है ये सीक्वेंस में नहीं है। आपके जितने भी पॉइंट हो सकता है, आपने कोई पॉइंट आपके रैटअप हुआ और आपने ड्राइंग में से डिलीट कर दिए उन कोगो पॉइंट, तो आप सिविल 3D में ही रहते हुए उन कोगो पॉइंट्स को आप रीनेम करना चाहते हैं, रीनंबर करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। यही हमारा टॉपिक है वीडियो का, रीनंबर कोगो पॉइंट इन सिविल 3D। यहाँ पे ये पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये फाइल मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे सिविल 3D में मैंने एक न्यू फाइल ओपन की है, यहाँ से हम ये पॉइंट जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं सिविल 3D में। और इनका जो भी फॉर्मेट हो आपके पास, और इनको आपने ग्रुप में जो है वो इंपोर्ट करना है। अगर आपने ग्रुप में इंपोर्ट नहीं किए हुए तो आप इनका सेपरेट ग्रुप बना ले। ठीक है, मैं इसको जस्ट ऐसे ही एक रैंडम नेम दे देता हूँ, टू। ओके ओके, पॉइंट हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं। ओके, जेड इंटर, ई इंटर, तो ये हमारे पॉइंट आ गए यहाँ पे। इस टूल बार को मैं अभी बंद कर देता हूँ, विंडो को, और यहां से मैं इसका जो स्केल है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। तो यहां पे अभी अगर हम पॉइंट लिस्ट भी देखें, ओके, ये पॉइंट लिस्ट है, तो यहां पे देखें तो यहां पे 2 नंबर मिसिंग है, फिर 4 और 5 मिसिंग है। इसी तरह डिफरेंट इंटरवल पे जो है ये कुछ नंबर मिसिंग है। तो अभी हमने इसको 1 से जो जितने भी पॉइंट है हमारे, हमने इनको एक सीक्वेंस में करना है सिविल 3D में रहते हुए, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक एड इन है, यहाँ पे आपने एड इन टैब में आना है। ये एड इन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल इंस्टॉलेशन है इसकी, मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे इंटर पॉइंट ग्रुप नेम आया है, तो ग्रुप का नेम हमने 2 दिया था। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, और अभी यहां से पूछा जा रहा है कि आपने जो न्यू नंबर असाइन करने हैं वो आपने किस नंबर से करने हैं। तो मैं इसको 1 से कर रहा हूं, आप 100 200 किसी से भी कर सकते हैं, और जितने भी आपके पास पॉइंट हूं, 1000 2000 4000 जितने भी हूं आपके पास, वो सारे रीनंबर हो जाएंगे। तो मैं इसको 1 यहाँ पे इंटर करता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ। ओके, अभी अगर हम अपनी पॉइंट लिस्ट देखें, यहां से मैं कोगो पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहां से मैं पॉइंट लिस्ट में आता हूं, तो यहां पे अभी ये रीनेम नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए यहां पे, मैं इसको आर प्रेस करता हूं एक दफा, और यहां पे अभी जो है प्रॉपर्टी में मैं आता हूं, पॉइंट लिस्ट, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी है यहाँ पे 25 पॉइंट थे हमारे पास, 25, तो ये सारे रीनंबर जो है नंबर वाइज हो गए हैं। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। और अगर आप इनके कोगो पॉइंट के अभी लेबल चेंज करें यहाँ से, तो यहाँ से आपने इसको पॉइंट नंबर ओनली करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ये रीनंबर होके यहाँ पे आ गए। तो ये नंबर का जो सीक्वेंस है वो मेरे पॉइंट के साथ ऐसे ही था। ठीक है, आपने जिस सीक्वेंस में पॉइंट लिए होंगे उसी सीक्वेंस में ये चेंज हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। Thanks for watching. Allah Hafiz.